हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रीडर फोर। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री चैप्टर वन, वो है हाउ व्हेन एंड वेयर। तो हमने इन सभी का क्या है टॉपिक बाय टॉपिक लेसन देख लिया है, सभी लेक्चर देख लिया है बहुत अच्छा से, और बहुत अच्छे से हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया है कौन सा वर्ड कहाँ पे होगा, आपको कैसे रिलेशनशिप मतलब कि कैसे रिलेट करना है हिस्ट्री को किसी भी चीज़ों के साथ, किसी भी वर्ड्स के साथ। तो अब हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर वन, अब हम करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बुक से भी रिलेट करेंगे और जो पूरी रिवीजन है आपको एक बार में हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से आएगा, मतलब कि वो फिक्स है आएगा। और दूसरा ये भी होगा कि जैसे अगर आप कहीं पे आपका मिसिंग हो रहा है वो टॉपिक कि आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे, तो आपको यहाँ पर भी पता चलेगा कि वो कौन से टॉपिक है और मतलब कि कहाँ पे वो मिसिंग हो रहा है वो टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड बाय। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इंडिया का जो मैप है, सबसे पहला मैप वो किसने डिस्कवर किया था, मतलब किसने बनाया था। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके बुक के बीच में से ही हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर है जेम्स रिनल। ओके, अब हम चलते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो, ये हमारे फर्स्ट पेज का, ये जो हमारा जो मैप है इंडिया का वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, जेम्स रिनल के द्वारा। अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन हुआ व्हेन ही प्रोड्यूस्ड द मैप, उसने मैप प्रोड्यूस कब किया, उसने मैप प्रोड्यूस तो किया लेकिन कब किया। उसने मैप को प्रोड्यूस किया 1782 में, ठीक है, 1782 में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। अब हम ये जान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, मतलब तीसरा क्वेश्चन, कि जो लिप्टन टी वो कब पब्लिश्ड हुआ, व्हेन लिप्टन टी वाज पब्लिश्ड, व्हेन लिप्टन टी कब पब्लिश्ड हुआ, ठीक है। हमने ये भी देखा कि चाय से रिलेट किया, कि हम हिस्ट्री को एक इवेंट के से जोड़ सकते हैं लेकिन हम सभी चीज़ों के डेट नहीं बता सकते। जैसे हमने चाय पीना शुरू किया तो हम चाय की हिस्ट्री नहीं बता सकते कि चाय इसी पार्टिकुलर डेट पे हमने सभी ने चाय पीना शुरू किया, ऐसा नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि जो लिप्टन टी है वो पब्लिश्ड कब हुई थी, किस ईयर में। तो लिप्टन टी पब्लिश्ड हुई थी 1922 में, कब 1922 में, क्या है, लिप्टन टी पब्लिश्ड हुई थी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल वो कौन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, वीवीआई है, और ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपको पूछा ही
जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे वीवीआई लगा ले तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं। तो इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो इंडिया का लास्ट वॉइसरॉय है, मतलब कि गवर्नर जनरल था, फिर उन्होंने गवर्नर जनरल की तरह ही एक नीचे पोस्ट का होता है उसको हम लोगों ने वॉइसरॉय कहना शुरू किया, मतलब कि गवर्नर जनरल के बाद वॉइसरॉय है। तो हमारे इंडिया का लास्ट वॉइसरॉय कौन है, हु इज द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ये सभी क्वेश्चंस क्या है, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, लास्ट वॉइसरॉय कौन है, कौन थे इंडिया के, लॉर्ड माउंट बैटन। तो ये हमारे हैं लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया है और ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिया है कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली आए, ठीक है। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिवाइड हु डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री। हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है, मतलब कि वो ब्रिटिश लिखते थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, तो वो कौन था जिसने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया, उसका नाम बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी वीवीआई होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जेम्स मिल। अब इसी में से एक और क्वेश्चन आता है, when he periodize the history of India, उसने history of India मतलब कि इंडिया की history को कब periodize किया, उसने periodize तो किया लेकिन कब किया, जल्दी से मुझे बताया कमेंट में, क्योंकि ये क्वेश्चंस वीवीआई हैं। जो पिछले वाले क्वेश्चंस भी थे वो भी वीवीआई थे और ये क्वेश्चंस भी वीवीआई हैं कि व्हेन ही प्रोड्यूस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब कि उसने हिस्ट्री को प्रोड्यूस कब किया, इंडिया की हिस्ट्री को उसने प्रोड्यूस कब किया। तो उसने किया 1817 में, कब, 1817 में, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर जेम्स मिल से आपको चार रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय जेम्स मिल, व्हाट इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय जेम्स मिल। अब वो कौन सी बुक है जो जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई थी, तो हम जानते हैं कि सिंपल सी वो बुक, वो हिस्टोरियंस था, माना कि वो स्कॉटिक फिलोसफर था, स्कॉटिश आया था, लेकिन उसने बुक भी लिखी और उसने इंडिया की हिस्ट्री को प्रोडाइज भी किया, तो उस बुक का नाम क्या था। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसमें तीन बार वेरी इंपॉर्टेंट लगाएं, ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय जेम्स मिल, तो उस बुक का नाम था
ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन आता है कि इन विच विच कैटेगरी ही डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री, मतलब कि उसने किस किस कैटेगरी में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया। इन विच विच कैटेगरी ही डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री। तो उसने कौन कौन सा, उसका जो कैटेगरी था वो कौन कौन कैटेगरी था, हम जानते हैं कि उसने डिवाइड किया, उसने बुक में लिखा, लेकिन वो कौन कौन सी, जो कैटेगराइजेशन का जो नाम है वो उसने किस चीज़ों पे कैटेगराइज किया। आप में जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएं। तो इसका आंसर है जेम्स मिल ने 1817 में जो बुक लिखा था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उस बुक में उसने हमें, मतलब कि इंडियंस को, उसने इंडियंस के हिस्ट्री को उसने तीन भाग में डिवाइड किया। एक क्या था, एक था हिंदू। अब उसने पहले हिंदू क्यों दिया, इसमें भी लॉजिक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एंशियंट टाइम में, मतलब कि जो हिंदू है, पहले हिंदू राज करते थे, फिर आ गए हमारे मुस्लिम, कौन मुस्लिम, अब फिर मुस्लिम जो राजा थे वो मुस्लिम थे, ठीक है, उसके बाद आ गए हमारे ब्रिटिश। क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ये तीन हो गया। अब इसमें एक और, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उससे रिलेटेड नहीं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। वो क्वेश्चन ये है कि जो प्रॉब्लम्स थे वो क्या थे जेम्स मिल के प्रायोरिटाइजेशन में। तो चलिए अब हम उस क्वेश्चन को करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को प्रायोरिटाइज किया तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इन, प्रॉब्लम इन प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इंडिया। जेम्स मिल ने जो प्रायोरिटाइज किया था इंडिया को, उसमें प्रॉब्लम्स क्या थी। तो ये क्वेश्चन क्या है, आते हैं एग्जाम में और आपसे भी पूछे जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स क्या थे आप मुझे बताएं। जैसे हमने ये भी जाना ऑब्जेक्टिव में, हमने लास्ट क्वेश्चन में जाना था फोर्थ क्वेश्चन में, कि जो उसने क्या है इंडिया को प्रायोरिटाइज किस किस में किया था, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश, तीन चीज़ों में उसने प्रायोरिटाइज किया था। लेकिन ये हम लोगों से वाइडली एक्सेप्ट कर लिया गया था, बहुत सभी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सही है। लेकिन ऐसा भी तो है, जब हिंदू राज करते थे इंडिया पे, तब उस जनता में कुछ जनता मुस्लिम भी होती थी, और जब मुस्लिम राज करते थे इंडिया पर, तब कुछ ऐसे तो नहीं कि पूरी जनता मुस्लिम ही है, नहीं, कुछ जनता हिंदू और कुछ जनता मुस्लिम। उसी तरीके से हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो पीरियड क्या है मुस्लिम का ही है और ये पीरियड हिंदू का ही है, ऐसा नहीं। जैसे हम देख सकते हैं कि साउथ में मुस्लिम के समय भी हिंदू के राजा राज्य करते थे साउथ में, साउथ इंडिया में। तो अब फिर उसने जेम्स मिल ने ही क्या किया, उसने हिंदू पीरियड को एंशियंट पीरियड बताया। क्या बताया, हमने ये पढ़ चुका है, अच्छे तरीके से पढ़ लिया है,
उसने बताया एंशियंट, हिंदू को बताया एंशियंट, मुस्लिम को बताया मिडिवल, और ब्रिटिश को बताया, ब्रिटिश को क्या बताया, मॉडर्न। अब एंशियंट मतलब क्या हो गया, जो मतलब कि पुराने वाले जो हिंदू है वो एंशियंट में चले गए, और जो ब्रिटिश है वो मॉडर्न में चले गए। जो बीच का पार्ट है मुस्लिम पीरियड, उसको उसने मेडिवल पीरियड बताया। ठीक है, तो देखिए हम एंशियंट तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये हिंदू का है और मेडिवल ये मुस्लिम का है, लेकिन ये जो मॉडर्न है, ब्रिटिश ने उस पीरियड को मॉडर्न कहा। क्या आपको ये विश्वास हो रहा है कि जब ब्रिटिश इंडिया में थे, उनकी टेरिटरी थी, तो क्या इंडिया मॉडर्न था? नहीं, इंडिया मॉडर्न नहीं था। इंडिया में ना लिबर्टी थी, ना क्या है इक्वालिटी, कुछ नहीं थी। ये सब कहाँ पे थे? ये सब ब्रिटेन में थे। तो हम इंडिया को तो मॉडर्न पीरियड नहीं कहेंगे, तो इसे क्या है एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो फिर हमारे जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं उसने कुछ नहीं किया, फिर जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने उस समय को मॉडर्न पीरियड नहीं कह के उस समय को कहा कॉलोनियल पीरियड। क्या कहा? कॉलोनियल पीरियड। तो ये क्वेश्चन भी आएगा, व्हाट इज कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या है? अब देखिए कॉलोनियल वो है कि किसी भी देश की चीज़ों को अपना लेना। जैसे ब्रिटिश में क्या है, सभी पहनते हैं, जैसे हम हैं इंडियंस क्या है पहनते हैं, साड़ी धोती कुर्ता। लेकिन आप अभी के समय में देखेंगे कोई भी इंडियंस वैसे साड़ी मतलब कि वैसे धोती और कुर्ता नहीं पहनता, क्योंकि यूजुअली हो चुका है कि अब हमेशा सब जींस ये सब पहनते हैं। तो लेकिन पहले जब ये नहीं था, जब हम लोग धोती कुर्ते पहने जाते थे उस समय में, उस समय में हमें ज़बरदस्ती वो पीरियड क्या है वो दिया गया कि तुम पहनो। लेकिन अभी हम अपनी मर्जी से खरीदते हैं वो कपड़े। तो उस पीरियड को जो हमने किसी और देश का अपने देश में अपना लिया, उस पीरियड को हम कॉलोनियल पीरियड कहेंगे, और उसी के चेंजेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया? तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसका यही आंसर लिखेंगे, अपने वर्ड में अपने शब्दों में इसका आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि अब हम आ गए सर्वे में, तो आफ्टर विच ईयर सबदे वॉज हिल्ड, आफ्टर हाउ मैनी ईयर सर्वे वॉज हिल्ड, मतलब कि कितने सालों के बाद जो सर्वे है वो लिया जाता था। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एक नंबर में आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा मुझे जल्दी से बताइए, आफ्टर हाउ मैनी ईयर सर्वे वॉज हिल्ड, कितने इस साल के बाद जो है हमारा सर्वे वो होता था। तो वो सर्वे हमारा हर प्रत्येक 10 सालों के बाद होता है, और होता था और अभी भी होता है। जैसे सर्वे हो गया, जैसे अब सर्वे हम क्या बोलेंगे, सर्वे हो गया हमारा कि जैसे हमारे देश में कितनी जनसंख्या थी और कितनी बढ़ी है या घटी है। हम ये देखते हैं कि हमारा फ्लोरा कैसा है और कैसा मतलब कि कितने किस टाइप के पेड़ पौधे हैं, और फिर हमें देखते थे कि हमारा जो फौना है, फौना मतलब कि जानवर, वो फौना कितने हैं, कितने टाइप के स्पीसीज हैं, हम ये देखते थे। अब हम ये भी देखते हैं कि जो ज़मीन है मतलब कि जो फील्ड है, उस फील्ड में क्या ग्रो करा होता है, क्या ग्रो होता है, उसकी जो फर्टिलिटी, उसकी जो उपज है वो कितनी है, अब वो देखते हैं हम सर्वे में। तो ये सर्वे हर 10 साल के बाद होता है। तो आपने कभी ना कभी किसी को देखा होगा कि सर्वे होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
बाय होम वी गेट, मतलब कि जैसे अब देखिए हमने ये सभी जाना जो हिस्टोरियंस ने लिखा था, मतलब कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखा था हमने वही जाना। अब ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं बताई गई, हमें नहीं बताई गई। तो व्हाट वाज द थिंग्स, व्हाट वाज द थिंग्स डैट, ऐसी कौन सी चीजें थी जो हमें नहीं बताई गई। वी हैव नॉट टोल्ड। तो मुझे जल्दी से इसका आंसर बताएं, ऐसी कौन सी चीजें थी और जो हमें नहीं बताई गई, और फ्रॉम वेयर वी, और एक और यहां पे जोड़िए, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर वी कैन टेक, ऐसी कौन सी चीजें थी जो बताई नहीं गई और हम कहाँ से ले सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हम कहाँ से ले सकते हैं। तो हम उन सभी चीज़ों को किसी के ट्रैवलर्स के ले सकते हैं, जैसे कोई ट्रैवलर्स कोई चाइना से इंडिया में ट्रैवलिंग करने आया है तो हम उससे ले सकते हैं, जो ऑटोग्राफी लिखता है ऑटोबायोग्राफी हम उनसे ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हम बाय ट्रैवलर्स किससे ले सकते हैं, बाय ट्रैवलर्स हम उनसे जान सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो बताई नहीं गई हैं इंडियंस के बारे में। तो बाय ट्रैवलर्स, बाय मतलब कि जो ऑटोग्राफी है जो खुद के बारे में लिखते हैं, हम उनसे ले सकते हैं। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत यूज़फुल हैं आपके लिए, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।